हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में और हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। ठीक है, तो ये मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज आप मेरे साथ बहुत गहराई से जानने वाले हैं। बहुत सारे आज आप मेरे साथ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो क्या क्या होगा आज? आज सबसे पहली चीज़ तो हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल मतलब सिंगुलर, और मॉडल्स मतलब प्लूरल। ठीक है, तो हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे, इसके डेफिनेशन जानेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में भी। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा और क्वेश्चंस इसके समझाऊंगा आज। ठीक है, तो क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। कोशिश करूंगा कि क्लास को मैं छोटे से छोटा रखूं ताकि आप जल्द से जल्द इसे पढ़ पाएँ। आपके पास टाइम अभी कम है। इसके अलावा कुछ और क्लासेस हैं, कुछ एक और क्लास है जो मेरी YouTube पे स्टार्ट हुई है एफकैट के लिए, है ना। उन बच्चों को भी मैंने विक्रांत बैच के लिए रेफ़र किया है। साथ ही साथ विक्रांत बच्चों के बच्चों से मैं बोलता हूँ कि आप एफकैट वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई हैं इतनी गहराई से वहाँ तो नहीं पढ़ा पाया हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा बैच है, बट आपको स्टिल बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जो बच्चे एडिशनल चाहते हैं, थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एफकैट में मेरी क्लास होती है मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, तो वो वाली क्लास और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है वो मॉडल्स के बारे में है। तो मॉडल्स क्या होते हैं हम पहले ही जानेंगे। तो अगर आपको याद हो तो 8 यूनिवर्सल रूल में मैंने आपको एक हल्की सी झलक दिखाई थी इसकी, याद है? चलिए क्विक रिविजन कराता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये आपके बेसिकली मेन, आप कह सकते हैं ये आपके मॉडल्स होते हैं। अब कुछ बुक्स हैं जिन्होंने यूज टू को भी मॉडल की कैटेगरी में रखा है, कुछ बुक्स हैं जिन्होंने नहीं रखा है। मैं यूज टू आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 8 यूनिवर्सल रूल में, जितने डिटेल में पढ़ाया जा सकता था। मैंने आपको बताया था कि यूज टू के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और वो आपको पास्ट हैबिट्स बताती है। जैसे आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था, तो ये पास्ट की बात हो जाएगी। ये जैसे शी यूज टू अब्यूज, वो गाली बका करा करती थी, बका किया करती थी, तो शी यूज टू का क्या मतलब होगा? उसकी पास्ट हैबिट थी, अब से मतलब नहीं है। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको बताई थी और इतना ही यूज था यूज टू का। तो ये सारे के सारे होते हैं मॉडल्स। अब सवाल ये है, सर मॉडल्स होते क्या हैं? तो मॉडल्स के बारे में याद रखिए तीन बातें। पहली चीज, इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी, एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ब ऑक्सिलरी कभी अकेले नहीं आती। ठीक है, खास तौर से जब वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होती है। 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया है। अगर याद नहीं है तो एक बार पीछे जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसका मतलब क्या है? ये अकेले नहीं आएगी, अपने साथ एक और वर्ब लेगी। ऑलवेज टेक अनदर वर्ब विद इट, हमेशा हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या है? कि भाई हमेशा अपने साथ ही एक और वर्ब लेगी ही। मॉडल तो हो गई, उसके साथ हमेशा एक और वर्ब होगी। इस सब के भी एग्जाम्पल देकर दिखाऊंगा मैं। तो तीसरी और मज़ेदार बात क्या है मॉडल्स के बारे में?
तीसरी और मजेदार बात यह है मॉडल्स के बारे में अदर वर्ब शुड ऑलवेज बी वी वन, बेस वाली या प्लूरल वाली। नहीं समझे? मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये बात एट यूनिवर्सल रूल्स में हमने स्थापित की थी और बहुत गहराई से समझी थी, प्रैक्टिस की थी। उसी बात को हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इंग्लिश सारी इंटरकनेक्टेड है, सब अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ है। सो द अदर वर्ब शुड ऑलवेज बी फर्स्ट फॉर्म, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो दूसरी वर्ब होगी। मैंने क्या बताया, मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए कभी अकेले नहीं आएगी, है ना। हमेशा अपने साथ एक और वर्ब लेगी और वो एक और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, जो भी आप कहना चाहें इसे, वो लेती है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है हर मॉडल के साथ। आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, मॉडल्स carry a sense, या कह सकते हो एक meaning carry करते हैं अपने साथ, sense carry करते हैं, है ना। और वो sense किस तरह का होता है, कौन कौन से sense हो सकते हैं, वो probability, blessing, ठीक है, probability भी बता सकता है, blessing भी बता सकता है, determination भी बता सकता है, ठीक है, एटसेट्रा, और ऐसा और कोई भी इमोशन आपको बता सकता है कौन, मॉडल। तो ये चार बातें आप मॉडल के बारे में याद रखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि एक तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसका मतलब कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगी ही, और वो वर्ब हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि मॉडल अपने आप में एक मीनिंग कैरी करते हैं, कोई भी आप मॉडल यूज़ करेंगे इनमें से, वो अपने साथ एक मीनिंग लेके जाएगा, जो या तो प्रोबेबिलिटी, ब्लेसिंग, डिटर्मिनेशन, है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन, ऐसा कोई भी हो सकता है। ये बात हम आगे वक्त के साथ हल्के हल्के जानते रहेंगे। तो आइए जरा चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो इन चार रूल्स को एक्सप्रेस करके दिखाएं। तो आइए जरा देखते हैं। हाँ, विल नॉट लेट यू डाउन, सेंटेंस देखते रहिएगा। दे Be honest. To the nation. Honest से बढ़िया लिखिए loyal to the nation. ठीक है, तो ये हो गए आपके दो सेंटेंस। एक और सेंटेंस आपको दिखाता हूं मैं, जैसे कि यू मे विन द नेक्स्ट गेम। तो ये मत सोचिए कि किसी भी एक भी मॉडल को मैं छोड़ दूंगा। मैं इतने सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं कि हर मॉडल पे क्वेश्चन है, और जब भी मॉडल पे क्वेश्चन आएगा आपको उसकी गहराइयों में मैं उतार दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, ही विल नॉट, पहला क्वेश्चन कहता है ही विल नॉट लेट यू डाउन। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या एक और वर्ब आई है। जी हाँ बिल्कुल है, ये विल के साथ लेट आया है, शेल के साथ बी आया है, मे के साथ विन आया है। तो हमेशा मॉडल अपने साथ एक और वर्ब लेगा ही। क्या तुम ये कह सकते हो आई विल स्कूटर, ये कह सकते हो शी कैन बॉय, ये कह सकते हो क्या? ये नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। जी तुम नहीं कह सकते शी कैन स्कूटर,
आई विल चॉकलेट यू नहीं हो सकता भाई, तुम्हें एक वर्ब लगाना पड़ेगी, आई विल गिफ्ट यू अ चॉकलेट, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा, है ना। आई विल ड्राइव दी स्कूटर आप कह सकते हो, तो ड्राइव एक वर्ब हो जाएगा, हमेशा एक वर्ब चाहिए होगी, बिना वर्ब के नहीं आएगा। तो तीनों सेंटेंस में एक वर्ब लगाना पड़ी। द अदर वर्ब शुड बी फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो देखो बी भी फर्स्ट फॉर्म है, विन भी फर्स्ट फॉर्म है, लेट भी फर्स्ट फॉर्म है, ये तीनों बातें भी हमने स्थापित कर दी। दूसरी चीज, मॉडल शुड कैरी अ सेंस और मीनिंग, अपने साथ एक सेंस और मीनिंग लेके जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, तो मैं यहां पे क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी। अरे भाई सेंटेंस का क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग यही तो है, यू मे विन द नेक्स्ट गेम, शायद तुम नेक्स्ट गेम जीत जाओ। तो मैं क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ दे शैल, तो तुम्हें याद होगा जो मैंने तुम्हें 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया था, टेंसेस में पढ़ाया था, POET, पोएट, प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन और थ्रेट। मैंने बताया था कि भाई क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट में एक बार रिविजन करा देता हूँ, चलो तुम्हारा इस चीज़ का, मैंने आपको पढ़ाई थी एक बार, हाँ भाई, और वो बात क्या थी, क्विक रिविजन करा दूंगा अभी, याद आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास शेल होता है और विल होता है। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं किसका, शेल का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी बचते हैं अदर्स, उनके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम कब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं और हमारा कोई तात्पर्य नहीं होता। बट अगर हम उसमें पोएट डाल दें, प्रॉमिस डाल दें, ओथ डाल दें, एम्फेसाइजेशन डाल दें या थ्रेड डाल दें, तो ये कहानी बदल जाती है। हम क्या करते हैं उसके, इसमें आई और वी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सबके साथ, अदर्स के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम कब करते हैं, जब हम बात करते हैं प्रॉमिस, ओथ, एम्फेसाइजेशन या फिर थ्रेट, मतलब कोई वादा कर रहे हैं, कोई धमकी दे रहे हैं, कोई जोर दे के बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई शपथ ले रहे हैं, है ना, तो तब हम ऐसा करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इस वाले सेंटर को, दे शैल बी लॉयल टू द नेशन, तो यहाँ पे आप एम्फेसाइज करके कह रहे हैं ना, देश की बात हो रही है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि देश के साथ तो ईमानदार होना है, नहीं, आपको कहना पड़ेगा होना ही होगा, तो यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज, यू हैव टू एम्फेसाइज, ओथ जैसा है ये, है ना, एम्फेसाइजेशन जैसा है, तो आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, आपने बिल्कुल सही किया। और इसके साथ देखिए एक वर्ब भी आपको दिख गई, भी यहाँ भी आपने बिल्कुल सही यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सेंटेंस है यू मे विन द नेक्स्ट गेम, यू मे विन, तो आपने मे का इस्तेमाल किया, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, है ना, और विन क्या बता रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट में 10 सेकंड में रिवीजन कराता हूँ कि ये सारे जो मैंने लिखे, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माई, मे, माइट, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मॉडल की तरह यूज होते हैं। मॉडल क्या होता है, ये मॉडल की क्वालिटीज बताई। एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हमेशा अपने साथ एक और वर्ब लेता है, ठीक है, और जो जो वर्ब लेता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, साथ ही साथ अपने साथ एक मीनिंग भी कैरी करता है, और ये सब मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो ये तो हो गया भाई बेसिक बात। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ स्पेशल मॉडल्स, जैसे भाई ये डेयर और नीड है, डेयर और नीड, ये कभी मॉडल हैं और कभी नहीं है, ये सेमी मॉडल जैसे हैं, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये मॉडल होंगे तो मॉडल की तरह बिहेव करेंगे, है ना, क्या बताया मैंने, जब ये मॉडल होंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, फॉलो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल्स, तो ये मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम ये रेगुलर वर्ब भी हो सकते हैं, अगर ये रेगुलर वर्ब है तो क्या करेंगे, फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रेगुलर वर्ब। नहीं समझे तुम मेरी बात, चलो मैं तुम्हें रेगुलर वर्ब यहां पे लिखता हूं, और मेरे बच्चे यहां पे तुम्हें लिख के दिखाता हूं मैं मॉडल। अब अभी तुम्हें बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा,
ठीक है, जैसे मैंने कुछ रेगुलर वर्ब से सेंटेंस लिखे, आई लाइक टू बाय अ कार, यहां पे कोई मॉडल नहीं, रेगुलर वर्ब लाइक का इस्तेमाल हुआ है, टू लगा के फिर दूसरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही तो हम करते हैं, एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब लगाते हैं, टू लगा के जोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर अब जरा डेयर और नीड से बनाता हूं, आई डू नॉट डेयर टू स्मोक हेयर। लड़का कह रहा है मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ पे स्मोक करूँ, मतलब उसका एरिया है, आसपास जानने वाले लोग हैं, वो स्मोक नहीं कर सकता। या शी डज नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं है, पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, तो शी डज नॉट नीड टू वर्क, काम करने की जरूरत ही नहीं है। ही से इंटेरोगेटिव भी देखते हैं, डेयर शी आर्ग्यू विद हर फादर, मतलब है डस शी डेयर टू आर्ग्यू विद हर फादर, क्या उसकी हिम्मत है कि वो अपने पापा से आर्ग्यूमेंट करे, आर्ग्यू करे। डू यू नीड टू वर्क एट नाइट, क्या तुम्हें रात में काम करने की जरूरत है। यहां पे ना मैंने नीड और डेयर को रेगुलर वर्ब की तरह यूज किया है, आप चाहें तो इसे किसी और रेगुलर वर्ब से रिप्लेस करके भी समझ सकते हैं, है ना। आइए देखिए, मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे डेयर है तो मैं यहाँ पे लाइक भी तो लिख सकता हूँ, मीनिंग तो तब भी सही रहेगा, ग्रामर तो तब भी सही रहेगी, बदल जाएगा मीनिंग बस, है ना। आई डू नॉट लाइक टू स्मोक हेयर, बिल्कुल सही होगा। ऐसी शी डज नॉट नीड, शी डज नीड की जगह मैं वॉन्ट भी तो कर सकता हूँ, शी डज नॉट वॉन्ट टू वर्क हेयर, है ना। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे सब जगह मैंने रेगुलर वर्ब की तरह नीड और डेयर को यूज़ किया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डेयर को यूज़ किया तो मैं यहाँ पे वॉन्ट भी कर सकता हूँ, डज शी वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हर फादर, ना यू डू यू नीड, तो डू यू नीड की जगह मैं लाइक भी कर सकता हूँ, डू यू लाइक टू वर्क एट नाइट। तो ये सारे के सारे क्या है, रेगुलर वर्ब की तरह यूज हुए हैं, जैसे लाइक और वॉन्ट एक रेगुलर वर्ब है, ऐसे डेयर और नीड एक रेगुलर वर्ब की तरह नॉर्मली यूज हो गए। अब बात आती है जब ये मॉडल बन जाएंगे, तो बात आती है जब ये मॉडल बनेंगे तो ये मॉडल सिर्फ दो ही केस में बन सकते हैं, जब या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, ठीक है, या फिर नेगेटिव हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तभी ये दो डेयर और नीड मॉडल बन सकते हैं। आइए देखिए कैसे, तो जैसे पहला वाला सेंटेंस है, अब पहले वाले सेंटेंस में तो डेयर है नहीं, आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, आई डू नॉट डेयर टू स्मोक हियर, तो डू नॉट क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो बन जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे सीधे मॉडल से, जैसे आई डेयर नॉट स्मोक हियर, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे, शी डज नॉट नीड टू वर्क, तो सीधे मॉडल की तरह बना देंगे, जैसे मॉडल बनाते हैं, जैसे शी नीड नॉट वर्क। अब तुम कहोगे सर ये डज नॉट हटा दिया, सीधे ये लगा दिया, ये कैसे हुआ भैया, बहुत ही आसान है। तुम क्या करो, जैसे तुमने यहाँ पे एक रेगुलर वर्ब लगा के देखी, ऐसी इनकी जगह कोई दूसरा मॉडल लगा के देख लो, सेंटेंस तब भी सही रहेगा। जैसे क्या मैं यहाँ पे कैन नहीं लिख सकता, क्या मैं यहाँ पे विल नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, आई विल नॉट वर्क, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन नॉट स्मोक हियर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ। तो ये डेयर और नीड जो है मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल के साथ डिड डू डज नहीं लगता, इसके साथ भी नहीं लग रहा, बस वैसे इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आइए बचे हुए सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, अगला सेंटेंस कहता है शी, अच्छा ये इंटेरोगेटिव आ गया, तो इंटेरोगेटिव में आप कैसे करेंगे, नीड को या डेयर को सबसे पहले लग देंगे, जैसे ये सेंटेंस डेयर से है, तो डेयर
she argued with her father. क्या उसकी हिम्मत है कि वो अपने पापा से आर्ग्यू करेगी? डेयर शी आर्ग्यू विद हर फादर, क्या उसकी हिम्मत है वो अपने पापा से आर्ग्यू करेगी? ये इंटरोगेटिव हो गया। अब तुम कहोगे सर ये क्या सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। एक सेंटेंस और बताते हैं फिर देखते हैं। डू यू नीड टू वर्क एट नाइट, तो इसको भी देखते हैं। नीड यू वर्क एट नाइट, नीड यू वर्क एट नाइट, ऐसे आप इसे बना देंगे। अब आप कहेंगे सर ये कुछ हजम नहीं हो रहा, तो आइए हजम कराते हैं इसे। हजम कराने का तरीका क्या है कि डेयर और नीड की जगह मॉडल लगा के देख लो कोई भी। चलो यहाँ पे शुड लगा देते हैं। शुड शी आर्ग्यू विद हर फादर, क्या उसे अपने फादर के साथ आर्ग्यू करना चाहिए? सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। चलो नीड की जगह कोई दूसरा मॉडल लगा देते हैं। मे यू वर्क एट नाइट, अब भी सही जा रहा है सेंटेंस। तो क्या ही दिक्कत है भाई मेरे, कोई भी मॉडल लगा सकते हो, तो आप इसको ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ का याद रखिए, आप इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। या तो आप इसे रेगुलर वर्ब की तरह ही यूज़ करेंगे या मॉडल की तरह ही, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं, पर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे। अब मिक्स करने का मतलब क्या हो गया? मिक्स करने का मतलब है जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आई डेयर नॉट, यहाँ पर टू लगा हुआ होगा, तो भाई टू नहीं आएगा क्योंकि मॉडल्स के साथ कभी टू नहीं आता। कभी लिखा है आई कैन टू गो, शी विल टू वर्क, नहीं आता ना। मॉडल्स के साथ कभी टू नहीं आता, इसलिए आप इनके साथ कभी टू नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे दूसरी वर्ब ऐड करने के लिए दब दब टू, और आपने यहाँ पे खूब टू लगाया। तो रेगुलर वर्ब्स में जब हम दूसरी वर्ब्स ऐड करते हैं टू लगा सकते हैं, मॉडल में डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप याद रखेंगे, तो मिक्स नहीं करेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? मिक्स नहीं करेंगे, या तो ये तरीका सही है या ये तरीका सही है। जैसे यहाँ पे डिड डू डस आ जाता है, यहाँ पे डिड डू डस नहीं आता है, मॉडल डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, डिड डू डस की हेल्प नहीं लेते क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक बार क्विक रिविजन कराता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया डेयर और नीड क्या है, मॉडल्स हैं, साथ ही साथ ये रेगुलर वर्ब्स भी हैं। ये कभी रेगुलर वर्ब्स की तरह इस्तेमाल होते हैं और कभी मॉडल्स की तरह। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आया सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ये रेगुलर वर्ब्स की तरह इस्तेमाल हुए हैं और कब मॉडल की तरह? तो मैंने तुम्हें बताया बेटा ये तो बहुत ही आसान है। कैसे पता चलेगा? जब भी कोई वर्ब रेगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी तो इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड टू डस से बनाती है, अपने साथ एक और वर्ब लेती है। आपने देखा सिंपल 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 ऐसे बन गया, टू लग गया। लेकिन अगर वो मॉडल होती है तो मॉडल के अपने फीचर हैं। कौन से फीचर हैं जो मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाए थे? ये सारे फीचर फॉलो होंगे, ये रेगुलर वर्ब के फीचर नहीं है, ये मॉडल के फीचर्स हैं, ये आपको यहाँ पे फॉलो होते हुए दिखेंगे। ना कोई टू वो लगेगा, वह ना हमेशा एक और वर्ब लगेगी, ठीक है। और मज़ेदार बात क्या होगी कि इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। शी के साथ नीड्स नहीं लगाया है मैंने, नीड ही लिखा है, समझ रहे हो ना? क्योंकि ही विल्स नहीं होता है, विल ही रहता है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई। तो यहाँ पे आपके मॉडल्स हो जाते हैं स्टेबल। अब आपको बेसिक नॉलेज मॉडल्स की हो गई है। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के तरीके से सीखते हैं। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको लगभग 10 सेकंड का समय दूंगा, जिस बीच आप मेरी क्लास को स्टॉप भी कर सकते हैं और ज़्यादा समय लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हेयर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द बेस्ट। लगाइए दम। अब आइए एक नया कॉन्सेप्ट और जानते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से मॉडल होते हैं, शैल, शुड, कैन, कुड, यही तो बताया ना, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड। अब भाई एक बार जरा ध्यान से सुन लो, ये वाले सारे जो है ना ये पास्ट है, ये इनकी सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट है, ठीक है। और ये वाले जितने हैं ये वाले सारे प्रेजेंट है, ये कभी भी पास्ट में यूज नहीं होते। मे, ऑट टू, मस्ट, डेयर, नीड कभी पास्ट में यूज नहीं होंगे। अच्छा भाई, अब मस्ट का जो पास्ट होता है इनके पास्ट भी है, मे का पास्ट माइट है, विल का पास्ट वुड है, कैन का पास्ट कुड है, शैल का पास्ट शुड है, पर इनके पास्ट नहीं है, तो ये पास्ट में यूज ही नहीं होंगे। सिर्फ मस्ट है जो पास्ट में यूज होगा, और मस्ट का पास्ट होता है हैड टू,
मस्ट का पास्ट क्या होता है बच्चा? हेड टू, ठीक है। जैसे आई मैं कहूं आई मस्ट पे द इनकम टैक्स, क्या कहा मैंने कि मुझे इनकम टैक्स देना ही होगा। मस्ट बेसिकली हमें बताता है ऑफिशियल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, ऐसी चीज जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके ना करने पे आपको दंडित किया जाएगा, जैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, ठीक है, ना करने पे दंडित किया जाएगा। सो आई मस्ट पे द इनकम टैक्स। अब ये बात तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर के लिए, भाई इनकम टैक्स तो मुझे पे करना ही होगा, करूंगा ही, बट अगर मैं कह दूं, मान लो आई हैड टू पे द इनकम टैक्स, मान लो अगर मैं ये कह दूं आई हैड टू पे द इनकम टैक्स, इसका मतलब क्या होगा कि यार मुझे इनकम टैक्स तो पे करना ही था। मतलब मैं बता रहा हूँ मेरा बहुत सारा पैसा इनकम टैक्स में चला गया, तो मैं कह रहा हूँ आई हैड टू पे द इनकम टैक्स तो मुझे पे करना ही था। व्हाट द पॉइंट, मुझे उम्मीद है एकदम तंतना कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर तैर सकता हूँ, ठीक है, सकता हूँ। अब मैंने कैन क्यों कहा, क्योंकि कैन मेरे बच्चे बताता है एबिलिटी, या फिर बताता है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, या फिर बताता है इनफॉर्मल परमिशन। नहीं समझ पा रहे हो, तीन चीजें बताता है कैन, एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या फिर इनफॉर्मल परमिशन। जैसे तीन सेंटेंस दे दूंगा, तीनों से एक एक। जैसे मैंने मान लीजिए एबिलिटी के लिए बताया यही वाला सेंटेंस, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं अक्रॉस द रिवर, ठीक है, ये बात हो गई। अब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए एक सेंटेंस, जैसे इट कैन बी डेंजरस, क्या मतलब हुआ कि ये खतरनाक हो सकता है, तो ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है किसी चीज की। अब मैं अगर इसको ऑन इनफॉर्मल परमिशन के लिए कहूं, तो मैं जैसे तुमसे कहूं कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम योर पिज्जा, अब तुम कहोगे सर इनफॉर्मल परमिशन होता क्या है पहले ये बताओ। तो देखो इनफॉर्मल परमिशन का मतलब होता है ऐसी परमिशन जो तुम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से, मतलब ऑफिशियली नहीं लेते हो तुम, ठीक है, अपने बॉस की बात नहीं हो रही है तुम्हारे, तुम किसके बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से, उनसे जिनके साथ तुम इनफॉर्मल हो, जिनसे तुम हाय हेलो अबे तभी भी लैंग्वेज थोड़ी बहुत यूज़ कर लेते हो, है ना। तो तुम क्या कहते हो, जिसे तुम्हारा फ्रेंड नहीं होता क्या करता है, तुम्हारा तुमने पिज़्ज़ा मंगाया, एक पीस उठा के हाथ में लेके गएगा, कैन आई हैव अ बाइट, ले लो यार थोड़ा सा ले लो, नहीं समझ पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जैकेट देखेगा, अरे यार भाई जैकेट तेरी बहुत शानदार लग रही है, भाई देगा मुझे एक डेट पे पहनने के लिए, है ना, कैन आई बोरो योर जैकेट फॉर अ डेट, तो ये क्या कहेगा, ये इनफॉर्मल परमिशंस हैं, उसके लिए भी तुम कैन का इस्तेमाल कर लेते हो, एबिलिटी क्षमता बताने के लिए भी और तगड़ी संभावना भी बताने के लिए। जैसे मान लो कोई नंगे पैर है ना, और हाथ गीले करके और कहीं ना कहीं बिजली में घुस रहा है, तो तुम कहोगे इट कैन बी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकता है ये। तो अब देखिए, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, तो मेरा बच्चा वॉज तो पास्ट हो गया, और अगर वॉज पास्ट हो गया तो फिर सेंटेंस पास्ट में, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कैन का पास्ट लगाओगे, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, सेंटेंस खत्म, ठीक है। सो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर सकता था रिवर के पार तक, कब, जब मैं जवान था। तो भाई आंसर हो जाएगा सी, समझ आए कहानी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए क्वेश्चन में। इट विल नॉट सरप्राइज यू If you were eyed coldly by the conductor, eyed coldly क्या है, एक idiom है, इसका मतलब है ignored और badly treated, तो क्या है, it will not surprise you, वो तुम्हें surprise नहीं करेगा, क्या, if you were, अगर तुम होते, अरे भाई sentence past में क्यों लेगा, अगर ये past में जाएगा तो ये भी तो past में जाएगा, तो आप will की जगह क्या करेंगे, would करेंगे, would, है ना, I would, it would not surprise you, will का past क्या होता है, would होता है, it would not surprise you, ये चीज़ तुम्हें हैरान नहीं करेगी, क्या, if you were eyed cold, अगर तुम्हें ignore कर दिया जाए बहुत बुरे तरीके से, मतलब किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
10 सेकंड का समय। देखिए इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू मे नोटिस, तुम शायद नोटिस करो दैट देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स। तो मे नोटिस मैंने आपको बताया मे तीन चीजों के लिए। पहली चीज ये बताता है प्रोबेबिलिटी। अब देखो कैन बता रहा था तगड़ी संभावना, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ये बताता है सिर्फ संभावना, ना तगड़ी ना कमजोर, सिर्फ संभावना है किसी चीज की। दूसरी चीज ये बताता है ब्लेसिंग, किसी को तुम ब्लेसिंग दे रहे हो या अभिशाप दे रहे हो, अभिशाप या वरदान के बारे में भी आपको बताता है। तीसरी एक और मजेदार चीज बताता है, ये फॉर्मल परमिशन, आइए इसे जानते हैं जरा गहराई से। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जैसे मैंने कहा इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, है ना, या फिर मैंने ब्लेसिंग के लिए बोल दिया मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, है ना भाई, काश तुम्हारे सारे सपने सही हो जाए, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, तो यहां पे क्या है ये क्या बता रहा है, कोई ना कोई ब्लेसिंग दे रहा है आपको, या फिर आपने किसी को कोस दिया मे यू डाई इन हार्नेस, मतलब तुम किसी से कह रहे हो कि तू बहुत ही गुलामी की मौत और बहुत ही मतलब ऐसी मौत, रिटायरमेंट से या भरी जवानी में काम करते करते मरे, ऐसे किसी को आप कोस रहे हैं, तो अभी आप मे का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। अच्छा, इनफॉर्मल परमिशन का क्या मतलब है, जब आप परमिशन दे रहे हैं किसी को, मतलब या मांग रहे हैं परमिशन, जैसे तुम कहीं भी जाते हो एयर होस्टेस, प्लेन में जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो रिसेप्शनिस्ट एयर होस्टेस क्या बोलते हैं आपसे, हेलो सर हाउ मे आई असिस्ट यू सर, हाउ How may I assist you? है ना, यही तो पूछती हैं। May I come in sir? तो भी यही पूछ देते हैं, फॉर्मल परमिशन होती है। सो इफ यू रीड न्यूज़पेपर, यू मे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना तो ये प्रोबेबिलिटी है, ना ही ये ब्लेसिंग है, ना ही परमिशन है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, तुम देखोगे तो तुम यहाँ पे ये तो कह सकते हो या तो यू कैन नोटिस या फिर यू विल नोटिस। तो कोई स्ट्रॉन्ग मॉडल आएगा, इतनी हल्की प्रोबेबिलिटी वाला नहीं आएगा, कैन या विल यहाँ पे आ सकते हैं। सो इफ यू रीड न्यूज़पेपर्स, अगर तुम अखबार पढ़ते हो, यू कैन या विल नोटिस, तुम ये नोटिस कर सकते हो या करोगे ना, कि देयर इज डेफिनेट स्पेस फॉर लेटर्स, के लेटर्स के लिए वहाँ पे स्पेस होती है। आंसर बी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको मे के बारे में। प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल और देता हूँ, कुछ बच्चे अगर कन्फ्यूज हो तो, जैसे आपने कहा इंडिया may win the next World Cup। देखो अभी वो अलग बात है, हमारी टीम थोड़ी परेशान चल रही है, हम एक दो जगह हार गए हैं अभी, बट अभी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हम बढ़िया खेलें और जीत ही जाएं वर्ल्ड कप अगला। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, लगाइए ज़रा दम। भाई अपने नोट ज़रूर बनाते रहिए इस क्लास से आप। अच्छा भाई, अब एक और मॉडल के बारे में हम आपको बताते हैं शुड के बारे में। तो देखिए भाई, शुड यूज़ होता है कई सारी जगहों पे। शुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले तो शुड यूज़ होता है मॉरल ऑब्लिगेशन पे, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए भी शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ शुड जो हिंदी वाला चाहिए होता है ना, चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारे भी शुड ही होते हैं। मतलब अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं तो भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इस्तेमाल होता है शुड का लेस्ट के साथ, ये बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है, ये अभी आप सीखेंगे। चौथा इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता ही है, पास्ट है ये शेल का, तो वो इस्तेमाल मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है। तो एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड के साथ लेस लगाने के लिए, और
शुड का मतलब कभी कभी इफ भी आता है। अब आएगा मजा। तो चलिए पढ़ते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। तो देखिए मॉरल क्या होता है, मॉरल का मतलब होता है नैतिकता, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सामाजिक एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर, एक मॉरल ऑब्लिगेशन, एक सामाजिक चीज़ जो आपके ऊपर, जिससे आप समाज से बने हुए हैं, जो आपको करनी है। लेकिन इसके ना करने पे आपको दंडित नहीं किया जा सकता। उसका रीज़न ये है कि मॉरल हर 200 मीटर पे बदल जाता है। नहीं समझे, मॉरल का मतलब होता है कि लोगों की सोच, कि वो किस तरीके से सोचते हैं, नैतिकता। तो जैसे कि आप, हाँ अब आप देखिए समाज आप देखेंगे हर 200 मीटर पे बदल जाता है। अगर आप देखेंगे एक गली में एक अलग माहौल है, उसी की बराबर वाली गली में एक दूसरा माहौल है। तो हर जगह, खासतौर से अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया तो है ही ऐसा, है ना। ये बिल्कुल बराबर में झोपड़पट्टियाँ, अलग ही तरह का माहौल है। बराबर में एकदम विलास बने हुए हैं, अलग तरह का माहौल है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन बहुत अलग है, पूरी दुनिया में अलग अलग है। लाइक अब तुम देखो, जो कपड़े आपको इंडिसेंट लगेंगे यूपी में, दिल्ली में लड़कियां उन कपड़ों में कंफर्टेबल है, वहाँ के लोग भी कंफर्टेबल है। जो कपड़े आपको दिल्ली में कंफर्टेबल हो, वो कपड़े शायद फ्रांस में मैटर ही नहीं करते होंगे कि पहनो या ना पहनो, वो हर चीज़ में कंफर्टेबल है। सो ये मेरे कहने का मतलब है दिस इज़ मॉरल, और इसलिए इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कहा, किसी ने आपसे कहा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तुम कहा नहीं करूँगा मैं आदर, नहीं अच्छा लग रहा मुझे, ठरकी बुड्ढा, है ना, नहीं करूँगा मैं आदर। तो क्या तुम्हें जेल हो जाएगी? नहीं होगी भाई जेल, कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। अगर नहीं करोगे तो जेल नहीं होगी, बस हाँ समाज आपको बुरा समझेगा। दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन, और समाज के लिए आप अच्छे नहीं होंगे। एडवाइस जैसे तुमसे मैं बार बार कहता हूँ, यू शुड मेंटेन, अब वो क्या, आप रजिस्टर्ड, चलो शुड के साथ अगर आप लेस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये बात बड़ी मजेदार है। देखो भाई, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, समझते हो ना। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, है ना, गॉड फॉरबिड कहीं ऐसा ना हो। तो आप लेस्ट के साथ सिर्फ एक ही मॉडल है जो लगा सकते हैं, वो शुड है। या तो शुड आएगा या फिर कोई भी मॉडल नहीं आएगा, या तो शुड या फिर कोई भी मॉडल नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो। जैसे मैंने तुमसे कहा हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू मिस द ट्रेन। तो ये सेंटेंस एकदम टनाटन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, समझे। दोनों ही सेंटेंस सही है, आप इसे चाहे तो शुड के साथ बनाएं या शुड के बिना बनाएं, ठीक है। जैसे मैंने कहा डोंट चीट लेस्ट यू शुड बी कॉट, क्या मतलब हुआ, चीटिंग मत करो, चीट मत करो किसी को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। तो शुड की जगह आप कुछ नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, है ना, लेस्ट यू बी कॉट। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में कितनी बार ऐसा होगा कि लेस्ट के साथ कोई दूसरा मॉडल लग के आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, या तो कोई मॉडल नहीं आएगा या फिर शुड आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शुड की जगह वुड कर दूँ, विल कर दूँ, कैन कर दूँ, कुछ भी मॉडल, वो गलत हो जाएगा। सो डोंट चीट लेट यू शुड ही होगा। अगर मैं यहाँ पे वुड कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब शुड इज इक्वल टू इफ, मैं समझाऊंगा आपको अगले पेज पे, यहाँ पे जगह, अरे है जगह, मैं समझाता हूँ। देखिए शुड इज इक्वल टू इफ क्या होता है, शुड इज इक्वल टू इफ का मतलब है कितनी बार आप शुड लिखेंगे और मतलब इफ जैसा आएगा। ये पहले जमाने में लिटरेचर वगैरह में यूज होता था, पर अब भी अक्सर मैगजीन वगैरह में दिख जाता है। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, आइए, नहीं वैसे आर्टिकल्स में भी दिख जाता है, बुक्स में भी दिख जाता है, बहुत कॉमन यूज है शुड का। जैसे शुड आई हैव मनी, I would help you
क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो तुम कह रहे हो अगर, कहाँ कह रहा है सर? भैया ये जो शुड है ना, आप इसको हटा दो और इसकी जगह इफ़ लिख लो तो भी सेंटेंस सही रहेगा। इफ़ आई हैव मनी, अगर है ना, तो लेकिन अब मैं हैव नहीं कहूँगा, अगर मैं इफ़ लगाऊंगा तो हैड कहूँगा, क्योंकि शुड आया है तो शुड के साथ हैड नहीं आ सकता, शुड के साथ हैड नहीं आ सकता क्योंकि वो सेकंड फॉर्म है। शुड एक मॉडल है, हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए यहाँ पे हैव लगाया है। अगर मैं इफ़ लगाऊंगा तो मुझे हैड लगाना पड़ जाएगा, समझ रहे हो? अरे इफ़ लगाऊंगा तो हैड लगाना पड़ जाएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, आगे वुड यूज़ हुआ है। शुड के साथ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि शुड तो खुद पास्ट है और वो सेंटेंस को पास्ट बना रहा है। जैसे मैंने कहा शुड यू हेल्प मी I will pay you, तो ये बड़ी सीधी सी बात है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ If you help me और आगे की बात I will pay you, दोनों तरीके से हैं। तो if you help me लिखो या should you help me, ये था should के चार usages। अब यहाँ पे आ जाते हैं यू डैश ओबे द एडवाइस ऑफ योर टीचर, तुम्हें अपने टीचर का कहा मानना चाहिए, तो ये मानना चाहिए, चाहिए वाला सेंस देता है शुड, तो आंसर हो जाएगा सी शुड। दूसरी बात ये मॉरल ऑब्लिगेशन पे, भाई टीचर का कहा मानना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर, मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, ओ माई गुडनेस, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करा पाया हूँ मैं लगभग 40 मिनट में, कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना बहुत सारे, तो शुरू के 10 क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा सा तेज भाग लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है नंगा क्वेश्चन, नंगे क्वेश्चन का मतलब है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं है का मतलब है तुम ए बी सी डी नहीं कर सकते हो, है ना, तुम्हें पूरे सेंटेंस को लिख करना पड़ेगा बिना ऑप्शन के आंसर बताना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के लेके आता हूँ, आपको पता ही। तो फॉर अ बेटर फ्यूचर वी मस्ट कंजर्व अवर फॉरेस्ट, तो कह रहा है एक बेहतर फ्यूचर के लिए वी मस्ट, तो मस्ट का इस्तेमाल आइए देखते हैं। तो मस्ट का पहला इस्तेमाल होता है जब हम डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, दृढ़ संकल्प हम किसी चीज के पीछे दिखाना चाहते हैं, या फिर हम मजबूरी दिखाते हैं, ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, है ना, मजबूरी दिखाते हैं, कंपल्शन दिखाते हैं, कंपल्शन। ऑब्लिगेशन ये कौन सा होता है? ऑफिशियल होता है, मॉरल नहीं होता। ऑफिशियल का मतलब है ना करने पे दंडित हो जाओगे, तो डिटर्मिनेशन दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है, कंपल्शन दिखाता है, मजबूरी, ऐसी चीजें दिखाता है मस्ट। जैसे मैंने कहा A slave must obey his master. ये गुलाम को तो अपने मालिक की माननी ही पड़ेगी, और तो स्लेव क्या हो गया मेरा बच्चा, स्लेव हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, मस्ट हो गया यहाँ पे मॉडल, जो बता रहा है क्या, मजबूरी बता रहा है, उसकी कंपल्शन बता रहा है। जैसे मैंने तुम्हें सेंटेंस दिया था आई मस्ट पे इनकम टैक्स, वो मेरी ऑफिशियल ऑब्लिगेशन थी, मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे लेना पड़ेगा, आई मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस इफ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, तो ये क्या है, ऑफिशियल ऑब्लिगेशन है, चाहूँ ना चाहूँ करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मेरा बच्चा दृढ़ संकल्प। तो इसके लिए मैं आपको सेंटेंस देता हूँ एक और, जैसे मैंने कहा We must die if needed. For our nation. क्या बढ़िया बात आ गई दिमाग में। तो वी मस्ट डाई, वी मस्ट डाई का क्या मतलब है, मैं अपने डिटर्मिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वी मस्ट डाई, हमें मर जाना चाहिए। कब? इफ नीडेड फॉर आर नेशन, अगर हमारे नेशन की बात आती है और नेशन के लिए यही जरूरी है कि हमें मर जाना चाहिए, तो हमें मर जाना चाहिए। लाइक अ सोल्जर थिंग्स लाइक दैट, और समवन हु इज वेरी पैट्रियोटिक, ना, तो वो ऐसे सोचता है। तो ये कब का, वो अपना दृढ़ संकल्प दिखाता है कि कितना दृढ़ संकल्प है। या फिर तुम आज अपने आप से कहो आई मस्ट बी अ सोल्जर, क्या मतलब हुआ, एक सिपाही तो मैं बनूंगा, सोल्जर तो मैं बनूंगा, या आई मस्ट बी एन ऑफिसर, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई, ये आपने दृढ़ संकल्प वाली बात की। तो इस दो केसेस में आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने कहा वी मस्ट कंजर्व अवर फॉरेस्ट, नहीं करोगे तो क्या होगा, है ना, उसकी सजा मिलेगी। ये मॉरल नहीं है, ये ऑफिशियल है, ये पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसमें है नो एरर। अगर आपने मस्ट हटा के कुछ और लगाया है तो ये गलत हो गया है आपका। मैंने आपको 3
चीज़ें बताई जो आप मस्ट के लिए यूज करेंगे, डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर बताइए जल्दी से। द चाइल्ड इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ अ पुलिसमैन, ठीक है, तुम्हारा बच्चा जो है वो सेफ है, किसके हाथों में, पुलिसमैन के हाथों में है, सेफ है, सो यू कैन नॉट वरी, तुम चिंता नहीं कर सकते, ये थोड़ी बोलोगे, यू नीड नॉट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत की भी बात नहीं हो रही है ना, कुड से मतलब नहीं है, आसान सा आंसर हो जाएगा बी, और मुझे उम्मीद है ये बहुत सारों का सही हुआ होगा। और देखो मॉडल की तरह यूज हुआ है, टू वो नहीं आया वरी से पहले, है ना, डिड डू डज नहीं आया, मॉडल की तरह यूज हुआ है नीड, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, When Hemant was at Chirag's flat, देख लो ध्यान से, sentence past में जा चुका है, चिराग के flat में था, कल की बात है, sentence कहाँ पर है, past में है। Hemant ने पूछा if he might, क्या वह अपना फोन यूज कर सकता है, तो मे की past form क्या होती है, might होती है, बता क्या रहा है, ये permission, formal permission की बात हो रही है ना बच्चा, तो might हो जाएगा, might, C is the correct answer in this one. Let's go for the next question. इस तरह के questions आपको दिख जाते हैं अक्सर NDA में और CDS में। आइए elimination से करते हैं। I would be an atheist, कह रहा है मैं एक atheist बनता, बट नाउ आई बिलीव इन गॉड, ये क्या बात हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बनता तो बिलीव क्यों कर रहा है। आई कुड टू, वुड नहीं हो सकता, टू लगा है, कुड नहीं हो सकता, टू लगा है, ऑट और ये हो सकते हैं। अगर आप कहोगे ऑट टू बी एन एथिस्ट, तो उसका मतलब है मुझे एक एथिस्ट होना चाहिए, है ना, अथिस्ट होना चाहिए, मतलब कौन क्या होना चाहिए, अथिस्ट कौन होता है, जो भगवान में नहीं मानता है, मुझे वो होना चाहिए जो मैं जो भगवान में ना माने, बट Now I believe in God, लेकिन अब मैं भगवान में मानता हूँ, तो कोई मतलब नहीं दे रही ये बात भी, कोई थीस्ट ऐसे, कोई कोई भी मानने वाला ऐसा नहीं कहता, ये ठीक है, C is the correct answer. I used to be an atheist, कि मैं कौन था, एक atheist हुआ करता था। atheist का मतलब जानते हो, atheist का मतलब होता है भगवान में जो विश्वास नहीं करता, कह रहे मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, बट नाउ, लेकिन अब मैं भगवान में मानता हूँ। तो यूज टू मेरे बच्चे क्या बताते हैं, मैंने आपको बताया था कि यूज टू बताता है पास्ट हैबिट, तो ये मेरी पास्ट हैबिट थी कि मैं भगवान में नहीं मानता था, लेकिन जिस दिन से भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे नौकरी मिली और सब कुछ मेरा अच्छा अच्छा हो गया, तो मुझे लगा कोई तो है, भगवान ही करता है। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, आंसर बताइए भाई जल्दी जल्दी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज एफ्रेड, मैं डरा हुआ था, दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन, क्या अगर मैं उससे दोबारा बोलूंगा, ही कुड रिफ्यूज, तो शायद वो रिफ्यूज कर दे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम ही आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना, क्योंकि यहाँ भी पास्ट भाई, यहाँ भी पास्ट, तो यहाँ भी पास्ट ही रहने दोगे ना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ इसी बात से बन जाता है कि कैन का कुड कर रहा है, इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। The dash be sorry for their behavior, it was required, है ना, तो ये क्या कह रहा है, the dash be sorry for their behavior, उन्हें sorry होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अपने behavior के लिए, it was required, वो ज़रूरी था, अगर जो उन्होंने किया वो ज़रूरी था तो sorry नहीं होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वाले कट जाएंगे, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ये थोड़ी बोलोगे they should be sorry for their behavior, it was required, उन्हें sorry बोलना चाहिए अपने behavior के लिए, उसकी ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी, मतलब जो उन्होंने किया था, तो आपको कहना चाहिए दे नीड नॉट, ये भी पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, दे नीड नॉट बी सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, उन्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अपने बिहेवियर के लिए, जो उन्होंने किया वो जरूरी था, इट वॉज रिक्वायर्ड, है ना। मान लो ऐसा हुआ कि कोई आया और कोई आके सीधे तुम्हारे मम्मी से पापा से बदतमीजी कर रहा है और तुमने भी उसे गंदी सुना दी और हटा दिया, फिर तुम्हें एहसास हुआ कि यार नहीं करना चाहिए था, मेरा बड़ा है, किसी ने तुमसे कहा यार ये तुम क्या कर रहे थे, तो किसी दूसरे ने भी कहा नहीं यार ठीक है, कोई किसी के पापा को बोलेगा तो तुम थोड़ी लगा इसलिए थोड़ा गर्म हो गया, कोई बात नहीं है, पर इट वॉज रिक्वायर्ड, तो ऐसा ही कोई सेंटेंस है ये, यू दे नीड नॉट
बी सॉरी, उन्हें सॉरी होने की जरूरत नहीं है अपने बिहेवियर के लिए क्योंकि ये जरूरी था। तो एक बार जरा अपना स्कोर जरूर चेक करना, आउट ऑफ 10 कितना आया है। अगर 5 से ज्यादा आया है तो अच्छी बात है, 5 से कम आया है तो बहुत दम लगाना पड़ेगा अभी। अब देखो कितना आसान सेंटेंस है, शी विल रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टेलीविजन ड्यूरिंग हर स्कूल डेज। तो ड्यूरिंग हर स्कूल डेज से एक बात पता चलती है कि सेंटेंस पास्ट का है, और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो मॉडल भी कौन सा जाएगा, पास्ट वाला जाएगा। विल की जगह मेरा बच्चे क्या कर जाएगा, वुड कर जाएगा। तो क्या कह रहा है, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी वाइल वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। वो शी वुड, वुड मतलब पढ़ा करती थी, पास्ट हो गया। तो वुड इज इक्वल टू यूज टू होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, और ये दोनों ही पास्ट हैबिट बताते हैं। आप वुड लगाएं, यूज टू लगाएं, एक ही बात होती है, दोनों पास्ट हैबिट बताते हैं। तो आप यूज टू भी लगा सकते हैं यहाँ पे, शी यूज टू रीड अ बुक, या फिर शी वुड रीड अ बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज। तो आंसर हो जाएगा बेटा ए। I went to him so that I should warn him of the coming danger. अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि lest के साथ should का इस्तेमाल होता है ना, ये बात मैंने आपको बताई थी कि lest के साथ should का इस्तेमाल होता है। अब एक बात और याद रखिए, जब so that आता है तो so that के साथ may का इस्तेमाल होता है, और ये purpose बताता है, purpose, ठीक है, पर्पस बताता है। लेस के साथ शुड आता है, ये भी पर्पस ही बताता है, ये भी तो पर्पस ही बताता है। आप जो सेंटेंसेस देखेंगे, तो जब आप सेंटेंस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये पर्पस बताता है। जैसे मैंने कहा हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो जल्दी करो, तो जल्दी करने का पर्पस क्या है ये आगे बताया, चीट मत करो पर्पस क्या है वो आगे बताया। ऐसे ही सो दैट के साथ में आता है, जैसे आपने कहा फार्मर्स वर्क हार्ड सो दैट दे मे यील्ड अ गुड क्रॉप। क्या मतलब हुआ, किसान मेहनत करते हैं किस लिए, कि वो क्या कर सके, एक बढ़िया फसल उगवा सके। सो आई वेंट टू हिम सो दैट आई शुड, नहीं होगा यहाँ पे, सो दैट आई वेंट है तो माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। सो आई माइट वॉर्न हिम ऑफ द कमिंग डेंजर, ताकि मैं उसे, सो आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया इसलिए, सो दैट, तो सो दैट के साथ मे और लेस्ट के साथ शुड, तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शुड की जगह आपने किया माइट, माइट क्यों किया, सेंटेंस पास्ट में है इसलिए, अगर ये पास्ट में नहीं होता तो हम मे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी यू मे लर्न न्यू वर्ड्स इजली। तो विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी यू मे लर्न, तो मे क्या ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी है तो ये तो अजीब सी बात है भाई, डिक्शनरी से वर्ड सीखोगे। तो मे इज अ वीक मॉडल हियर, आप यहाँ पे कैन या फिर विल लिख सकते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी यू कैन लर्न, तुम सीख सकते हो या शायद सीखोगे, बोलोगे ना शायद सीखोगे, नहीं बोल सीख सकते हो, बी इज द करेक्ट आंसर, या सीखोगे नए वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा अब इस सेंटेंस को समझने के लिए ना थोड़ा शेक्सपियर की हिस्ट्री जानना पड़ेगी।
ऐसा कहा जाता है कि जो शेक्सपियर के प्लेज हैं ना वो एनोनिमस हैं, मतलब वो शेक्सपियर ने कुछ खुद नहीं लिखे हैं, वो किसी और ने लिखे हैं और शेक्सपियर के नाम कर दिए हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, मतलब ये ऐसा कहा जाता है, ये इट इज़ नॉट अ ट्रूथ और इट इज़ यू नो इट इज़ नॉट इवन अ प्रूविन फॉल्स, तो कुछ पता नहीं है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लोव के लिए कह रहा है कि ये हो सकता है कि क्रिस्टोफर मार्लोव जो थे कुड हैव रिटन, उन्होंने लिख सकते थे, क्योंकि कुड क्या बताता है, सकता बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, ये तो पास्ट की है ना, या फिर क्या करता है ये पास्ट ऑफ कैन है, तो यह तो एबिलिटी बताता है, तो ना ही एबिलिटी है ना प्रोबेबिलिटी है, तो कुड नहीं बोलोगे आप, वुड बोलोगे, वुड हैव रिटन या फिर मे हैव रिटन, प्रोबेबिलिटी बताना चाह रहे हैं तो मे कह सकते हैं या वुड कह सकते हैं, मीनिंग माइट, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर, तो कह रहा है ये पॉसिबल है कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने शायद लिखे हों प्लेस शेक्सपियर के, तो आप या तो मे बोलेंगे या वुड, और अगर वुड बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कह रहा है ये पॉसिबल है कि क्रिस्टोफर मार्लोव ने लिखे हों, पॉसिबल बोल दिया ना, इसलिए मे से ज़्यादा बढ़िया वुड है, और आंसर आप मार्क करेंगे बी पार्ट में, ठीक है, वुड इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस वन, कुड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15th, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, द मदर आस्क्ड हर, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ शी, अब देखो आस्क्ड आ गया मतलब पास्ट है, तो भाई आगे भी पास रहेगा, तो गो का वेंट कर दो, ये तो मॉडल का क्वेश्चन भी नहीं था, वर्ब का क्वेश्चन था, आंसर हो गया सी, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, Children need not go to the roof at night. तो आप सोचेंगे यहाँ पे टू तो नहीं लगाया, Children की need not go, Children को ज़रूरत नहीं है, तो Children को ज़रूरत नहीं है या उनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली मॉडल के लिए है, इसलिए यहाँ पे आप ये एरर मार्क कर रहे हैं, नहीं तो ये सेंटेंस सही है, तो आप क्या करेंगे, Children dare not go to the roof, जब बच्चों की हिम्मत नहीं है, बेटर है, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, अगर मैं इसे इस तरीके से देखता तो ये और भी आसान हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन होगा डेयर और नीड, और यहाँ पे ऑप्शन होंगे नीड विल, नीड तो लिखा होगा, डेयर विल कैन माइट, ऐसे कुछ करके होंगे, है ना, तो आप क्या करेंगे डेयर मार्क करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो चिल्ड्रन डेयर, ये मैंने क्यों दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया आपके लिए, आप सोचेंगे डेयर तो ठीक लग रहा है, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सेंस ऑफ मॉर्टल डिलीवर्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसका मीनिंग जरूर समझें। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ गए हैं, लगाइए दम, क्वेश्चन है ही कैन कुक द फूड, वो खाना बना सकता है, कब, जब वो बेबी को हैंडल कर रहा हो, वाइल ही वॉज यंग, तो पास्ट की बात है, तो बस कैन की जगह कुट कर दोगे, बाकी पूरा सेंटेंस सही है, तो आंसर हो जाएगा बेटा ए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 था, देखो वैसे तो हमेशा जब भी क्वेश्चंस देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हमेशा हम ऐसे ही जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम आगे नहीं सही कर सकते, है ना, वॉज यंग को हम वैन ही इज यंग तो नहीं कर सकते ना, वो मीनिंग ही अटपटा हो जाएगा और अजीब सा हो जाएगा, जब वो जवान है ये तो नहीं कह सकते ना, तो इसलिए हम सेंटेंस में पीछे जाके उसे सही करते हैं, और इस वजह से आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, नहीं तो हम हमेशा यहाँ पे ठीक करेंगे, यहाँ तक तो सही है ना सेंटेंस, अब यहाँ हमें गलती पता चली आगे तो हम यहीं पर ठीक करते हैं, बट इन सेंटेंसेज में यहाँ पर ठीक नहीं किया जा सकता, ही इज़ यंग नहीं कह सकते, वह नहीं, जब वो जवान है तो वो ऐसे करता है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा, है ना, और जनरली हम इन सेंटेंसेस को ऐसे नहीं बोलते, और यही लैंग्वेज है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई आप पीछे जाके ठीक करिए, कैन की जगह गुड कीजिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, दम लगा दीजिए,
They ought to play cricket every day. When they were in the college. अब देखिए ये भी सेंटेंस वैसा ही है. अब क्योंकि आगे वर है तो आगे पास्ट है, तो when they are in the college तो नहीं कहोगे, है ना. और ought to क्या बताता है? बेसिकली ought to आपको बताता है ड्यूटी, ठीक है. ought to एक तो बताता है ड्यूटी, दूसरी बात ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है. मतलब आप मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज के लिए कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑब्वियस है, जो होती ही है, जो आपको करनी ही है. जैसे मैं आपसे कहूँ यू ought to wear a uniform, you ought to wear your uniform. अब भाई यूनिफॉर्म तो पहनना ही चाहिए ना, ये बस ऐसी ही बात है, एक ड्यूटी जैसी बात बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी ड्यूटी. या फिर तुमसे कहा She ought to come on time, उसे समय पे आना चाहिए. तो भाई ये सही बात है, हमारी ड्यूटी है, ये जरूरी है हमारे लिए कि हम समय पे आए. पर ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ना करने पर तुम्हें दंडित कर दिया जाए, है ना. अगर कोई टाइम पे नहीं आया तो जान से नहीं मार दोगे, उस पर फाइन लगा दोगे. अनलेस कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो दंडित किया भी जा सकता है, नहीं भी थोड़ी हल्की बात होती है, तगड़ी बात होगी तो मस्ट हो जाएगा, है ना. तो मस्ट का हल्का वर्जन है ought to, ऐसे समझ लो, बहुत हल्का वर्जन मस्ट का. ऐसे ही ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी बता देता है, जैसे वी ought to हेल्प द पुअर, ठीक है. तो हम क्या कहते हैं, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. पर शक्ति कपूर क्या कहता था, या प्रेम चोपड़ा क्या कहता था, कि नहीं ये गरीब है, गरीबों को गरीब ही मत मिटाओ, गरीब मिटा दो गरीबी अपने आप मिट जाएगी. हाँ हाँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में. बट वॉट वी वॉन्ट टू से, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. तो ये क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है. इस तरीके से ऑट टू यूज होता है. तो ऑट टू तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आएगा. तो पास्ट हैबिट की बात हो रही है, तो आप क्या कह देंगे, यूज टू. अब ये वाला मॉडल आना था यहाँ पे, ए यूज टू हो जाएगा. जरा लगा के देखिए यूज टू सही जा रहा है या नहीं. तो क्या कह रहा है, दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, वो क्रिकेट खेला करते थे हर दिन. व्हेन दे वर इन द कॉलेज, जब वो कॉलेज में थे. तो यहाँ पे यूज टू भी यूज हो जाएगा और वुड भी यूज हो जाएगा. दे वुड प्ले क्रिकेट, ऑट टू पूरा हटा दीजिए, वुड प्ले क्रिकेट. तो आप वुड भी लगा सकते हैं और ऑट टू भी, क्योंकि यूज टू भी और वुड दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों ही यहाँ पे आपको पास्ट हैबिट्स बताएंगे. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 19, इफ यू स्टेड हियर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, इफ यू स्टेड हियर. अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि कहाँ पे पास्ट है, पास्ट है ना बच्चा, तो आगे भी पास्ट का कोई मॉडल लगाओगे, विल को काट दो, कैन को काट दो. अब इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लो. तो इफ यू स्टेड हेयर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, यू अरे यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम, तुम प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ना कि नहीं कर सकते, ठीक है. तो इफ यू स्टेड हेयर यू कुड नॉट, तो नहीं कर सकते, नहीं करोगे. बी इज द करेक्ट आंसर. वुड ज्यादा अच्छा सेंस दे रहा है. तो वुड आपको क्या क्या सेंस देता है ये जानना भी जरूरी है भाई. तो वुड के एक बार सेंस जानेंगे, यूजेस ऑफ वुड जानेंगे. तो वुड आपको पहली चीज तो पास्ट ऑफ विल बताता है, ये आपको पता है. विल क्या होता है कि होगा, तो ये क्या हो जाएगा, होता. जब आप कहते होगा तो होता बन जाता है, ये बेसिकली पास्ट ऑफ विल होता है. हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया. अच्छा, दूसरा इसका यूज़ होता है कि ये बताता है पास्ट हैबिट्स, ये वाला यूज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ. तीसरा यूज़ होता है वुड दैट, ठीक है, जिसका मतलब होता है विश, विश बताता है, काश, हाइपोथेटिकल होता है. दूसरी चीज़, अगर कभी भी तुम कुछ अनरियलिस्टिक बताना चाह रहे हो, अनरियलिस्टिक, काल्पनिक, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, तो भी तुम विल का इस्तेमाल कर सकते हो. आइए मैं दिखाता हूं आपको कैसे. तो जब आपने कहा पास्ट हैबिट, मैं कई सारे एग्जाम्पल दे चुका हूं, एक और देता हूं. शी वुड गो टू जिम एवरी डे दोज डेज, मैं कह रहा हूँ उन दिनों वो हर दिन जिम जाया करती थी. तो ये पास्ट हैबिट हो गई, मैंने बताया यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब वुड दैट विच बताता है, इसका मतलब होता है काश, जो हिंदी वाला काश होता है ना,
वो इंग्लिश का वुड दैट होता है, वुड दैट आई वर अ वॉरियर, तो कह रहा है काश मैं कोई योद्धा होता, तो वुड दैट के साथ आपने क्या लगाया वर, लग वर का इस्तेमाल करा, हाइपोथेटिकल होता है, या फिर तुमने जैसे वुड दैट जैकलिन वर माइन, तुम कह रहे हो काश जैकलिन मेरी होती तो ये क्या बात हुई, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया, तुम्हारा विश है डिजायर है और इसे ऐसे यूज करते हो, उसका मतलब काश जैसा आता है काश। अच्छा अनरियलिस्टिक और हाइपोथेटिकल कौन से होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बस तुम ऐसे बोल देते हो मजे मजे में, जैसे मान लो हाँ तुम्हारी वाली तुमसे कहती है कि तुम कभी मुझे पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाते हो, कभी तुम मुझे आज तक पिक्चर दिखाने लेके गए, रवि को देखो हर संडे रिया को पिक्चर दिखाते हैं, हम अभी कभी भी आज तक पिक्चर नहीं गए, तुमने कहा छोटी बात करती है तुम उससे, रुक, तुमने कहा आई वुड बिल्ड अ थिएटर फॉर यू डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए थिएटर बनवा दूंगा, लोड लोड के भाग भाग के नाच नाच के पिक्चर देखियो, क्या दिक्कत है, तो ये क्या हुआ हाइपोथेटिकल बात है, खुश करने के लिए तुमने बोल दी, लड़की मुस्कुरा गई, तुम पढ़ाई में लग गए, काम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या फिर हाइपोथेटिकल ऐसे भी समझ सकते हो, हाँ ये तुम्हें परेशान कर रही है कि हम कोई तुम कहीं लेके नहीं जाते हो डेट पे, मुझे हर बार यहीं पार्क में ले आते हो, कहीं डेट पे नहीं लेके जाते हो, तुम कह रहे हो मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक बार एग्जाम निकलने दे तो चिंता क्यों कर रही है, आई वुड डेट यू ऑन द मून, चांद पे ले जाऊंगा मैं तुझे, वहां डेट करेंगे, जैसे टाइटैनिक में जहाज पे कर रहे थे ना वो, आई वुड डेट यू ऑन द मून, चांद पे ले जाऊंगा, है ना, जैक की तरह वहां से धरती पे थुकवाऊंगा, है ना, जैसे जैक वहां पे पानी में थुकवाता है, आई वुड बिल्ड अ थिएटर फॉर यू, है ना, और आई वुड डेट यू ऑन द मून, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है अनरियलिस्टिक है। अब यहाँ पे इफ यू स्टेड हियर, अगर तुम यहाँ रहोगे तो वुड का इस्तेमाल करोगे, कौन सा वाला पास्ट ऑफ विल वाला, है ना, यहाँ पे कौन सा यूज है पास्ट ऑफ विल, विल क्या बताते हैं होऊंगा, है ना, तो ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर तुम यहाँ पे स्टे करते यू वुड नॉट फेस दी प्रॉब्लम, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती, ना कि प्रॉब्लम नहीं फेस कर सकते थे, तो पास का सेंटेंस है होती कहना चाहते हैं, इसलिए वुड कहेंगे, बी इज दी आंसर, वुड का यूसेज भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ गए हैं, He dash be given warm welcome if he wins the tournament. तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप सेंटेंस को फ्यूचर में बनाएंगे, है ना, कुड का तो इस्तेमाल आप कर नहीं सकते क्योंकि आगे if he wins है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इन तीनों में से कुछ सेलेक्ट करेंगे। He shall be given warm welcome, he can नहीं बोलोगे, warm welcome का मतलब है कि मिलना ही है, हर हाल में मिलना है, अगर वो जीतता है तो can आप काट देंगे। अब ये he के साथ shall कब लगता है, जब आप बात करते हैं poet, oath, emphasization या फिर threat, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का emphasization है, एक ceremony है, तो ceremonial कोई चीज़ जो होती है तो वो emphasization या oath जैसी होती है, तो इसलिए आप shall का ही इस्तेमाल करेंगे, he shall be given, है ना, warm welcome, ना will भी use कर सकते थे अगर shall नहीं होता, पर यहाँ पे shall ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि आप poet follow कर रहे हैं, ना emphasization कर रहे हैं कि भाई दिया ही जाएगा, award की जब बात करते हैं जो चीज़ें ceremonial होती हैं, है ना, उन्हें हम oath या poet में ही count करते हैं, C is the correct answer। एक बार अपना score देखना out of 20, कितना score बना लिया है आपने, ठीक है, और चेक करते रहिए, अगर 14-15 आ रहा है तो बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए ना पहले 5-10 से। अब देखो यहाँ पे ये ओथ की बात कर रहे हैं, एम्फेसाइजेशन थ्रेट की बात कर रहे हैं ना, वो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस ओथ एम्फेसाइजेशन थ्रेट, पोएट की तो बात हो रही, द सोल्जर शेल, तो सोल्जर किस में आते हैं, मैंने बताया था दो ग्रुप हैं, एक आई और बी वाला और एक अदर्स वाला, 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख लो, टेंसेस वाली क्लास देख लेना पहले, उसमें बताया है मैंने, ठीक है, तो आई और बी के साथ हम यूज करते हैं शेल और अदर्स के साथ यूज करते हैं विल, लेकिन अगर पोएट की बात हो जाती है तो कहानी उल्टी हो जाती है, इन सब के साथ आ जाता है विल और इन सब के साथ आ जाता है शेल,
ये बात मैंने आपको बताई थी। तो सोल्जर्स काय में आएंगे, अदर्स में आएंगे, अदर्स वाले ग्रुप में आएंगे, इस वाले में आई और वी तो नहीं है, सोल्जर्स है। दूसरा सोल्जर्स शेल प्रूफ, बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। जो सोल्जर्स है, जो सिपाही है, उन्हें आपने आपको प्रूफ करना होगा वर्दी सन्स ऑफ द मदरलैंड के, वो मदरलैंड के वर्दी सन्स है, कीमती सन है, कीमती बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिंस यू आर सो रिच यू डैश हैव द पुअर, क्योंकि सिंस का मतलब है बिकॉज, बिकॉज यू आर सो रिच, क्योंकि तुम इतना अमीर हो, यू डैश, तो ये वुड नहीं होगा, शुड नहीं, हाँ यहाँ पे यू शुड हेल्प द पुअर, तो ये एडवाइस दे रहा है कोई आपको, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सिंस यू आर सो रिच, क्योंकि तुम इतना अमीर हो, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीब की मदद करनी चाहिए, एडवाइस है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, You dash have helped your friend when he was in trouble. तो पहली बात हमें पता चली सेंटेंस है पास्ट में, तो हम पास्ट वाला मॉडल देखेंगे, तो मस्ट गार्ड दिया, नीड टू गार्ड दिया, शुड या वुड में से एक आंसर हो गया। तो यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड व्हेन ही वाज इन ट्रबल, तो फिर से मॉरल ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें मदद करनी चाहिए थी, ना कि करनी होती या करते, है ना। तो शुड, तुम मदद करते, तो यू शुड हैव हेल्प, तुम्हें मदद कर देनी चाहिए थी, चाहिए वाला सेंस आ रहा है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, वुड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे हैं, दो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 24, My grandmother dash tell me stories of real heroes in my childhood, मतलब पास्ट की बात है, shall काट दो, need to काट दो, ought to काट दो, जो बचा आंसर। तो बिना कॉन्सेप्ट समझे भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, अब देखो कॉन्सेप्ट भी समझ लो, क्योंकि पास्ट हैबिट बता रहा है इसलिए यूज टू आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना क्वेश्चंस। I am used to tell, अब मैंने आपको एक बात बताई थी भाई कि अगर used to से पहले अगर लगा हो कोई भी वर्ब, अगर used to से पहले कोई भी वर्ब आ जाए तो हम used to के बाद ing form लगाते हैं। इस बात को गहराई से जानने के लिए 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख लीजिएगा। तो I am used to tell नहीं होगा, I am used to telling, मैं आदि हूँ किस चीज़ का, बताने का, stories of real heroes to my students, है ना। तो ये दोनों सेंटेंस थे, इसमें एक में आपने यूज टू का इस्तेमाल देखा और एक में जब यूज टू से पहले वर्ब आएगी तो देखा। तो जब यूज टू से पहले एक वर्ब आ गई तो ये टेल का टेलिंग हो गया, बस आपको इतनी बात याद रखनी है, है ना। ये जिरंड की तरह यूज होता है। एक बार मैं सेंटेंस बताता हूँ, मैंने क्या कहा, आई एम यूज टू टेलिंग, मैं आदि हो गया हूँ स्टोरी सुनाने की, रियल हीरोज की, अपने स्टूडेंट को। और यहाँ पे क्या था, मेरी दादी आदि थी स्टोरी सुनाने की मुझे, रियल हीरोज की। क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए दम, ऑन अकाउंट ऑफ हर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कहने का क्या मतलब है, किसके अकाउंट पे, ऑन अकाउंट ऑफ हर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, किस बात पे कि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया, हो गया है। तेजांशी शेल फीचर इन द मैरिज लिस्ट, तेजांशी, अब ये क्या है, अदर्स में आएगा ये, हाँ, तो ये एक तरह का प्रॉमिस है या रिवॉर्ड दिया जा रहा है, सेरिमोनियल है, तो बिल्कुल सही है, इसके साथ सी सही लगा है, डी इज द करेक्ट आंसर, नो एरर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 27, थोड़े से ही क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ी सी ही क्लास बाकी है, थोड़ा सा सही है, मौन रखिए।
ही इन्फॉर्म्ड मी दैट। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे ये आपको इन्फॉर्म देखा, सेंटेंस पास में पता चल गया, आप आगे गए, आपको विल नहीं दिखना चाहिए, आपको वुड दिखना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, क्या कहा आपने, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड नॉट कम, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वह नहीं आएगा। अब द फॉलोइंग डे मतलब उस दिन के अगले दिन की बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, यू आर बी फाइंड इफ यू डू नॉट पे योर स्कूल फीस ऑन टाइम। तो देखो ये तो सही रख रहा है, इफ यू डू नॉट पे योर स्कूल फीस ऑन टाइम, बट यू आर बी फाइंड, यू आर बी फाइंड थोड़ी होगा, या तो बोलो यू विल बी फाइंड, तुम्हें फाइंड किया जाएगा, यू विल बी फाइंड, या फिर यू शैल बी फाइंड। शैल बी क्या है, थ्रेटनिंग हो जाएगा वो, है ना, तो ये ज्यादा बढ़िया होगा, शैल बी इज द करेक्ट आंसर। विल बी और शैल बी दोनों सही होंगे, पर दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो शैल बी ज्यादा सही होगा, क्योंकि शैल बी का क्या मतलब होगा, यू शैल बी फाइन, मतलब तुम्हें फाइन देना ही होगा, है ना, ये इम्पोजिशन हो जाएगी, एक तरह की एम्फेसाइजेशन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डेयर नॉट टू विजिट अ ग्रेवयार्ड एट मिड नाइट, हिम्मत मत करना ग्रेवयार्ड विजिट करने की रात में, है ना, हिम्मत मत करना कब्रिस्तान जाने की रात में। तो चलो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन टू क्यों लगा दिया, ये तो मॉडल की तरह यूज हुआ है ना, कैन लगा के देख लूँ, यहाँ पे शुड लगा के देख लूँ, विल लगा के देख लूँ, है, विल नॉट विजिट अ ग्रेवयार्ड एट मिड नाइट, तो टू नहीं आएगा ना, टू की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस ये टू काट दीजिए, बाकी सेंटेंस सही है। ठीक है, तो ये भी वैसा सेंटेंस था जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा के सेंटेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं हम, देखा शुरू के 10 क्वेश्चन कितनी देर से हुए, क्योंकि तब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, और उसके बाद कितनी तेज क्लास भागी, यू नीड हैव योर ड्राइविंग लेसन लाइसेंस विद यू When you are driving any vehicle, तो ये कैसी obligation है, ये moral obligation है, ये necessity है, need तो necessity बताता है, बताया ना मैंने, need क्या बताता है, necessity, और dare क्या बताता है, courage, है ना, यहाँ पे हमें ज़रूरत है must की, क्योंकि वही बताता है official obligation। तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, नीड की जगह क्या कर लोगे, मस्ट, यू मस्ट हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस, आंसर इज ए। चलो तो अभी हम शुरू हो जाएंगे सिनोनिम्स एंड टोनिम्स पे, पर उससे पहले आप मुझे अपने स्कोर बताएंगे आउट ऑफ 30, ये जरूरी है कि आप मुझे स्कोर बताएं, और मुझे ये जरूर बताएं कि मॉडल्स की ये क्लास आपको कैसी लगी। लगभग सारे ही मॉडल मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, है ना, और बहुत कुछ आपका बचा नहीं है, पर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी। आपको मुझे बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अब हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 1, ओडियस, देखिए ओडियस का मतलब होता है घुन, घिनौना, जघन्य, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड और आता है हीनस, ओडियस, डिटेस्टफुल, डिसगस्टिंग, डी इज द करेक्ट आंसर। डेकोरेटिव मीन्स ऑर्नामेंटल, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ तो सजाने के काम आए। फ्रेंडली के हमने कई सारे सिनोनिम्स किए हैं, कैंडिड, जोवियल, ये सारे, एमिएबल, एमिकेबल, इसके बाद आ गया भाई डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब हैप्पी, एक्सीलेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, ब्लिसफुल,
ये सारे के सारे रिलेटेड के सिनोनिम हो गए. डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32, वाइवेशियस क्या होता है? वाइवेशियस इज वाइब्रेंट, है ना, या लाइवली, चीयरफुल, चिरपी, समवन हु इज फुल ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट, है ना, उत्साह से भरा हुआ, जेलस भी बोल सकते हैं, जेलस, enthusiastic, ये सारे के सारे synonym हो जाएंगे. imaginary के synonym हम कर चुके हैं, hypothetical, imaginary, concocted, मतलब मन घड़त, कुछ भी मन घड़त, unreal. lazy के भी synonym हमने कई बार करे हैं, lackadaisical, sluggish, lethargic, इंडोलेंट, ना लेजी, लेजी ये बिल्कुल एकदम सुस्त होते हैं. तो आंसर हो जाएगा बच्चा बी, ना टाइमली से कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तो स्पोरेडिक का मतलब होता है जो कभी भी हो जाए, रैंडम, अनटाइमली, है ना, इररिलेवेंट भी कह सकते हो, कुछ भी. डी इज द करेक्ट आंसर. स्कैटर्ड का मतलब होता है डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, स्प्रेड आउट, फैला हुआ, कुछ फैल जाना, स्कैटर हो जाना, डिस्पर्स हो जाना. फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कोई चीज जो अक्सर होती है, ऑफन, यूजुअली, ठीक है. पंचुअल का मतलब होता है टाइमली. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. क्वेश्चन नंबर 34, परसर्व, परसीवर, परसीवर. अब देखिए, हो सकता है आप में से कई सारों ने इसका आंसर लगा दिया हो सेफ. भैया सेफ जो आपने सोचा ना, प्रिजर्व होता है, प्रिजर्व, प्रिजर्व, सेव, कंजर्व, तो ये सारे के सारे सिनोनिम होते हैं. लेकिन जब आप परसीवर के जानते हैं तो ये आता है परसीवरेंस से, परसीवरेंस से, मतलब परसिस्टेंस, परसीवरेंस, परसिस्टेंस, या फिर इंसिस्टेंस, इसके लिए एक वर्ड और आता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प. ठीक है, तो आंसर परसिस्ट हो जाएगा सी, और कुछ नहीं जाएगा, परसिवरेंट का परसिस्ट हो जाएगा, मतलब वही परसिस्टेंट, जो लगा रहे किसी चीज में. टेनेशियस भी कहते हैं, ऐसे वर्ड याद आते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा, टेनेशियस. रिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना. रिनाउंस इज डिनाई कर देना. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. हैसिटेट आपको पता है किसी चीज में शर्माना, हिचकिचाना, शाय करना, कॉय करना, हेसिटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लिबरेशन. लिबरेट कौन होता है? जिसको आप फ्री करते हैं किसी चीज से, आजाद करते हैं, तो इमेंसिपेशन इज द करेक्ट आंसर. जब आप किसी को आजाद कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, है ना, इमेंसिपेशन, लिबरेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, एक ही बात है सारी. डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कि आप डिटेंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं. डिटेंशन इज होल्ड कर लेना किसी को, किसी चीज को फेल्ड कर देना, स्टॉप्ड कर देना वहीं पे. ठीक है, इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है जेल में डाल देना, ये आपको पता है. सब्जुगेशन का मतलब होता है किसी को बेसिकली दबा देना, या उस पर अत्याचार कर देना, या फिर उसको हरा देना, है ना. सब्जुगेशन इज बेसिकली कॉन्कर, या फिर डिफीट बेसिकली.
डिफीट करना, ये किसी को अंडर थंब करना, अपने अंदर दबा के रखना, ऑप्रेस करके रखना, सबजुगेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अब हम करेंगे अलग तरह के क्वेश्चन जिनका नाम है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स मतलब अब आपको उल्टा बताना है, उल्टा। डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो अपना होल्ड चाहता हो, अपना कंट्रोल चाहता हो। डोमिनेटिंग वाइफ, डोमिनेटिंग हस्बैंड आपने सुना होगा। तो डोमिनेटिंग का उल्टा बताना है आपको, सबसर्वियंट। सबसर्वियंट कौन होता है? सबसर्वियंट का मतलब होता है एकदम जो बिल्कुल सर जी हुजूरी करने वाला। अच्छा 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 बेगम चाय बना दूँ आपके लिए? अच्छा बेगम चाय बना देंगे आपके लिए। अच्छा बेगम पानी गर्म कर दें आपके लिए नहाने का? अच्छा पानी गर्म कर देंगे बेगम नहाने का। और बता दीजिए बेगम कुछ कुछ खिदमत चाहिए हो तो ये हो जाएगा सब सर्वियंट, है ना, सर्वेंट जैसा। सब सर्वियंट मतलब सर्वेंट जैसा कह सकते हो। अच्छा सर्वाइल थोड़ा सा अलग है, सर्वाइल होता है फॉनिंग, कैजॉल। सर्वाइल मतलब चापलूसी करना, बूट लिकिंग एक अलग चीज़ है, ये चापलूसी है। सब सर्वियंट का मतलब होता है कि जब तुम एकदम अपने आप को समर्पित कर देना, सबमिटेड। ठीक है, एग्रीबल आपको पता है। ऑब्लिवियस होता है फॉरगेटफुल, जो भूल जाता है, भुलक्कड़, ऑब्लिवियस, फॉरगेटफुल। आंसर इज डी, सबसर्वियंट। क्वेश्चन नंबर 37। यूफोनी का मतलब होता है कोई भी ऐसी साउंड जो कानों को अच्छी लगे, जैसे बुलबुल की आवाज, किसी अच्छे म्यूजिक की आवाज। यूफोनी मतलब अ साउंड या प्लेजेंट साउंड कह सकते हो, प्लेजेंट साउंड किसी चीज की। तो इसका उल्टा हो जाएगा कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है नॉइस, है ना, डिस्टर्बेंस। टर्बुलेंस क्या होती है? टर्बुलेंस का मतलब होता है कि शोर मच रहा है, जैसे जहाज में टर्बुलेंस हो जाती है, हाहाकार, टर्बुलेंस या डिस्टर्बेंस। बुलाबुलू का मतलब भी होता है नॉइस, पर ये अलग तरह की नॉइज होती है, क्राउड की नॉइज होती है। क्राउड जैसे मच्छी बाजार में तुम चले जाओ, है ना, मछली ले लो भैया, बैगन बैगन बैगन, आलू 2 रुपए किलो, ऐसा शोर मच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दैट इज हुलाबुलू, हुलाबुलू। ठीक है, डिसहार्मनी आप जानते हैं क्या होता है, पीस का उल्टा होता है, हारमोनी का उल्टा होता है। तो डिसहार्मनी इज बेसिकली केओस। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कैकोफोनी। कैको का मतलब जहां भी वर्ड आ जाता है ना कैको, तो कैको का मतलब बैड होता है, ऐसे याद रखिए, कैकोफोनी मतलब बैड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 38, एक्साइटिंग। अब एक्साइटिंग बेसिकली होता है बहुत मज़ेदार, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो बहुत ज़्यादा। अच्छा अनइंटरेस्टिंग का मतलब थोड़ा सा होता है मतलब ठीक है, क्लोज है ये, पर इससे बढ़िया है इंसिपिड, क्योंकि इंसिपिड का मतलब होता है डल या फिर बोरिंग। जैसे फूड एक्साइटिंग होता है, और फूड डल हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, टेस्टलेस हो सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अनपैलेटेबल का मतलब होता है नॉट टेस्टी, है ना, जो टेस्ट में अच्छा नहीं हो। मोनोटोनस का मतलब होता है हैविंग सिंगल टोन, सिंपल। मोनोटोनस एक तरीके से, जैसे मान लो कोई टीचर है, वो क्लास में आता है, हेलो एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल सीधे तरीके से, एकदम ऐसा लगता है रोबोट्स की तरह पढ़ाया और चला गया कोई भी। या फिर मान लो कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है मोनोटोनस, जो बिल्कुल एक जैसी चल रही है ना, तो उसको हम मोनोटोनस बोलते हैं, इसके लिए बोरिंग भी कह सकते हैं। पर इंसिपिड का मतलब डायरेक्टली बोरिंग होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्लोज ऑप्शंस थे, पर बेस्ट ऑप्शन बी ही है, इंसिपिड। अनइंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि एक्साइटिंग का मतलब कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी क्लोज है पर अनइंटरेस्टिंग नहीं हो सकता इसका, क्योंकि इंसिपिड दिया हुआ है। अगर इंसिपिड नहीं होता तो हम अनइंटरेस्टिंग लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 39, आइडियलिस्टिक।
देखो भाई, आइडियलिस्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर आइडियलिज्म हो। आइडियलिज्म का मतलब होता है जो कि ये सोचे कि भाई गरीबों को भी जीने का हक़ है, जानवरों को भी जीने का हक़ है, मुझे भी जीने का हक़ है, सबका अच्छा भला सोचे। ये नहीं सिर्फ अपने ही हिसाब से चलता रहे, एक आइडियलिज्म के हिसाब से चले, एक थ्योरी के डॉक्ट्राइन को फॉलो करे, ठीक है, वो होता है आइडियलिस्टिक। अच्छा, इसका उल्टा हो जाएगा प्रैग्मेटिक, क्योंकि ये है सीधा सीधा लॉजिकल रीजनेबल, है ना। प्रैग्मेटिक ये एकदम रीजन के हिसाब से चलेगा, मतलब अगर इसे लगता है अभी बेईमानी करने की जरूरत है, बेईमानी कर लेगा, ठीक है, अभी ईमानदारी की जरूरत है, ईमानदारी दिखा देगा, तो ये प्रैग्मेटिक होता है। आइडलिस्ट मर जाएगा, बेईमान नहीं होगा, है ना, ये डिफरेंस है इसमें। एक्सपीडियंट का मतलब होता है बेनिफिशियल, लुक्रेटिव, ठीक है, बेनिफिशियल, एक्सपीडियंट, लुक्रेटिव। सेंसिबल आपको पता ही है, हैविंग सेंस, जिसके अंदर सेंस हो, मतलब सेइंग, समझदार। अनकंट्रोलेबल मतलब बर्सर्क, भी इसके लिए एक वर्ड आता है बर्सर्क, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल, सी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, कर्टियस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कर्टियस? कर्टियस का मतलब होता है, कर्टियस का मतलब होता है कोई ऐसा जो बड़े अच्छे से बात करता हो, है ना, जिसके अंदर बड़ी ही कर्टिसी हो, बड़ी ही तमीज हो, मैनरफुल। मैनरफुल तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रेजिल, ब्रैश, रूड, जिसे आप कहते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लिपेंट कौन होता है? फ्लिपेंट का मतलब होता है टॉरपोर, कैजुअल, ठीक है, ये फ्लिपेंट होता है। सक्सेसफुल आपको पता ही है कौन होता है, स्ट्रॉन्ग भी आपको पता है, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलिए तो गाइस, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आया होगा आपको मज़ा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कोई शक है, कोई तकलीफ है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन भी हमें जल्दी से करना है, तो बैकलॉग नहीं छोड़िएगा, है ना। न्यू ईयर की एक आध छुट्टी तो आपको मिलेगी, तो न्यू ईयर आप बनाएंगे अगले साल नौकरी लेने के बाद, इस साल आप क्या करेंगे, पढ़ाई कर लीजिएगा, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।